वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। हम अमर अंसारी, आप सभी लोगों का जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी एंड तारा सुतारिया की फिल्म एक विलन रिटर्न्स यानी कि एक विलन द्वितीय के डे नंबर 8 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? एक विलन रिटर्न्स हैज फॉलन एंड इज कम्प्लीटली डन मेरा भाई। कल वो जो डर था कि कल इसके शो इतने कम हो जाएंगे कि हार्डली कमाई होगी, वो आज सच होते हुए दिखाई दे रहा है सारी की सारी चीजें। और आज भैया प्रोड्यूसर्स ने कपूर साहब से पूछ कर बोला, भाई कलेक्शन दे दीजिए, जनता उत्तेजित हो रही है, आपके फैंस इंतजार कर रहे हैं कलेक्शंस का। तो आज फाइनली प्रोड्यूसर्स ने जो कलेक्शंस है वो रिपोर्ट की है, तो हम कंपेयर करेंगे हमारे प्रेडिक्शंस के साथ एंड ऑफिशियल फिगर्स के साथ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक विलन रिटर्न्स का वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस एंड किस तरह से दूसरे हफ्ते में इसके पास कितने सारे शोज बचे हुए हैं, सारी सारी चीजें, ब्लॉकबस्टर एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं। बस बात करूं डे नंबर 8 की, एक विलन रिटर्न्स के पास मुंबई में अब सिर्फ 293 शोज बचे हैं, यानी कि ओनली 293 शोज। दिस इज अ वेरी सैड साइन फॉर एक विलन रिटर्न्स। डे नंबर 6 614, फिर कल 499, आज 293 शैटर्ड। दिल्ली एनसीआर 515 डीसेंट बट हार्डली ऑक्यूपेंसी। पुणे 93, बेंगलुरु 34, हैदराबाद 56, कोलकाता 159, अहमदाबाद 201, चेन्नई 3, सूरत 126। एक विलन रिटर्न्स इज फिनिश्ड, बस सैटरडे एंड संडे बचा है। लेट्स सी सैटरडे संडे क्या कमाल करती है। एंड आज अगर 1 करोड़ भी आया देन मंडे कितना होगा? अरे भैया आपको सेरेमनी पता है, कपूर साहब बताइए जरा कितना होगा? 70 लाख मंडे होगा, 70 लाख। उसके बाद ट्यूसडे होगा कितना भैया बताइए? 50। और उसके बाद वेडनेसडे कितना होगा? 30 मुन्ना झगास। और उसके बाद थर्सडे को उत्तरी, थर्सडे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा थर्सडे को। मेरी पिक्चर आ रही है, ओ अक्षय कुमार की पिक्चर भी आ रही है, तो थर्सडे तो खत्म ही हो जाएगा कलेक्शन। यानी कि एक विलन रिटर्न्स के पास बस अभी 3-4 दिन बचे हुए हैं। एंड गाइस अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली इसके कलेक्शंस के बारे में। मंडे को इसके कलेक्शंस लास्ट आए थे जब मंडे 3.02 करोड़ रिपोर्ट हुए थे। ट्यूजडे तो ट्रेड फिगर था, वो था 2.50, प्रोड्यूसर्स ने 2.64 करोड़ दिया, फेयर इनफ। बस बात करो डे नंबर 6 की, यानी कि इसके फर्स्ट वेडनेसडे की, तो ट्रेड ने 2 करोड़ दिया था एंड प्रोड्यूसर्स ने 2.07 करोड़ दिया है। बात करो डे नंबर 7 की, हमने प्रेडिक्ट किया था कि फिल्म 1.80 करोड़ कमाएगी, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने 1.65 करोड़ बहुत ही ऑनेस्टली दिया है। एंड इसी के साथ यहाँ पर एक विलन रिटर्न्स का मेरा जो प्रेडिक्शन था वो था 32.96 करोड़, यानी कि 32.96 करोड़, एंड ऑफिशियल प्रोड्यूसर फिगर इज 32.92 करोड़। अनदर प्रेडिक्शन बैंग ऑन मेरा भाई, 32.92 करोड़। काफी शराफत से, ईमानदारी से प्रोड्यूसर्स ने जो है वो रिपोर्ट किया है। एंड इसका ग्रॉस होता है 39.19 करोड़, यानी कि 39.19 करोड़। ओवरसीज इस फिल्म ने 6.34, यानी कि 6.34 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ द फर्स्ट वीक ग्रैंड टोटल ऑफ एक विलन रिटर्न्स इज 45.53 करोड़, यानी कि 45.53 करोड़। अब गाइस यहां पर इतना तो कहना पड़ेगा कि एक विलन रिटर्न्स ने यहां पर पहले हफ्ते में 32.92 करोड़ रुपीस कमाते हुए यहाँ पर रनवे का ऑलमोस्ट लाइफ टाइम तोड़ दिया है। रनवे का लाइफ टाइम 32.96 करोड़ था, हीरोपंती का लाइफ टाइम, जर्सी का लाइफ टाइम तोड़ दिया यहाँ पर, जो कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में थी। अटैक का लाइफ टाइम तोड़ दिया है। देखने लायक रहेगा बच्चन पांडे का लाइफ टाइम जो है 49.98 करोड़, क्या वो उसको तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है ये आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये काफी सारी बड़ी फिल्में थी जिनके लाइफ टाइम को बधाई दो का लाइफ टाइम तोड़ दिया है यहाँ पर एक विलन रिटर्न्स ने। इतना कहना पड़ेगा कि फिल्म ने यहाँ पर ठीक ठाक कमाई की है, लेकिन भैया बजट के हिसाब से डिसाइड होता है भाई। साथ में सब ऐसे डैमेज पीस दौड़ रहे हैं, उसमें आप थोड़े कम डैमेज हो, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपको हम जिता देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप भी डैमेज हो, आपके कलेक्शंस भी कम आए हैं। अगर इस बात करें आज की, यानी कि डे नंबर 8 की, बात करें मॉर्निंग के शोज की, तो सेम स्टोरी, 6%, आफ्टरनून 8, इवनिंग 8, रात को 7 होगा कहीं ना कहीं। मुंबई में यहाँ पर 293 शोज में ओनली 9%, दिल्ली एनसीआर 7, पुणे 8, बेंगलुरु 6, हैदराबाद 14, कोलकाता 5, अहमदाबाद 8, सूरत 5, जयपुर 12। भैया शोज ही नहीं बचे हैं, ऐसा लग रहा है एक विलन रिटर्न्स कहीं ना कहीं आज अपने 8वें दिन पर 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख कमाएगा।
क्योंकि बहुत ही कम कलेक्शन है, 1 से लेके 1.20 करोड़, और ऐसा लगता है 8 दिनों में फिल्म कहीं ना कहीं 34 करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। सैटरडे इसे कैसे भी डबल जंप मारना है, संडे कैसे भी 3 करोड़ कमाना है, तब जाके थोड़ा रिस्पेक्टेबल टोटल पहुंचेगा 40 करोड़, वरना इसका अभी 40 करोड़ भी जाना मुश्किल लग रहा है भाई, बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ओके गाइस, सो आज का एपिसोड सभी लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब सारी निगाहें लाल सिंह चड्ढा रक्षाबंधन पर है, द इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉरवर्ड टू देम एंड इवन वी आर, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।